सो हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर गेमिंग वीडियो। सो आज इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हैं, इस गेम का नाम पता नहीं कौन सा था, मैं भूल गया, पर आज इस वीडियो के अंदर हम अपना खुद का ही टेस्ट लेने वाले हैं। तो या ये गेम, मतलब इस गेम के अंदर हमें मतलब टेस्ट देना होगा। तो ये प्लेयर नंबर वन शायद मैं हूँ, तो कलर में दे रहा हूँ पिंक। चलो भाई हम पिंक ही दे देते हैं, पिंक दीजिए पिंक। ओके, नेम अ कार ब्रांड, टोयोटा। ये स्पेल अच्छे से याद थी पहले, अभी भी याद है यार। नेम अ फोन ब्रांड, आई फोन। यस, आज हमारा टेस्ट होने वाला है। हम सिर्फ यूट्यूब नहीं चलाते, हम मतलब सिर्फ यूट्यूब के ऊपर नहीं करते नेम और कलर इन द रेम, हम सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने के अलावा भी हम पढ़ाई भी करते हैं। तो रेमबो के बारे में मैंने ना कुछ पढ़ा तो नहीं हुआ, पर मेरे हिसाब से ऑरेंज भी होता है, गलत या सही? सही सही। नेम सुपर हीरो, यार सच्ची मैंने कोई भी सुपर हीरो कुछ भी नहीं देखा। मैं लिख देता हूँ बैटमैन, इसके मैंने नाम सुना है, ये जो भी हो मैंने लिख दिया है बैटमैन। बी, यार मैंने इतना अच्छा तो लिखा, यार मैं पी मैं कहाँ पर था, ये मुझे तो मैं खुद को ही नहीं देखा। चलो चलो भाई आगे देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। नहीं, हम सेकंड नंबर पे थे, या हम सेकंड नंबर पे थे। हमें कोई शायद बड़े नेम्स लिखने होंगे। ओके, एक शायद इंडिया का है और एक पता नहीं किस देश का है, ये मैं हूँ। अच्छा इंडिया दे देते हो, क्या होता है नेम? यूएस स्टेट, सच्ची बता रहा हूँ वो मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, पर यूएसए का कौन सा स्टेट है याद नहीं है। मैंने एक तो मुझे याद थे पहले, और वो भी अभी मुझे याद नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कर सकते भाई, सच्ची बता रहा हूँ मुझे ये नहीं आ रहा। मैं एम लिख कर रिटर्न कर देता हूँ, गलत हो गया भाई पहला ही। नेम अ स्पोर्ट दैट यूज अ बॉल, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हम फुटबॉल लिख देते हैं, फुटबॉल लिख देते हैं, फिर क्या भी फुटबॉल लिखते हैं। यार सच्ची मगर गलत हो गया ना, तो मतलब हमारी मतलब पूरी इज्जत ही चली जाएगी। ओह सही हुआ, सच्ची बता रहा हूँ यार। नेम समथिंग इन अ बाथरूम, मुझे कोई बड़ा नाम ढूंढना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर भी नहीं लिखा था। तो नेम समथिंग इन बाथरूम, मैं लिख रहा हूँ शोवर, जो भी हो। सोप मुझे याद है, पर सोप भी इतना टॉवल भी है, तो या नहीं मैं यही लिख रहा हूँ। नेम अ स्कूल सब्जेक्ट, इंग्लिश है, साइंस है, पर मैं सोशल स्टडी, हाँ सोशल स्टडी में लिख देता हूँ, सोशल स्टडी। मैं पता नहीं कैसे ये मैं स्टडी की स्पेल भूल गया। अभी देखो आपके सामने कैसे शो कर मार रहा था और अभी सोशल स्टडी की स्पेल भूल गया। यार मैं वीडियो के अंदर क्या हो गया मुझे, मैंने कसम से मैं ऐसा नहीं, पहले इतने ज़्यादा शो जाए यार स्टडी की ये स्पेल नहीं होती है। अभी इतने शो मार रहा था और अभी स्टडी की स्पेल भूल गया। देख रहा है गाइस, सोशल स्टडी स्टडी, मैं दे देता हूँ रिटर्न भाई, गलत दे दिया यार। देख रहा हूँ यार, नेम ब्रेकफास्ट ड्रिंक, मिल्क, नहीं
नहीं हम लिखेंगे, चलो मैं मिल्की लिखा। देखो ये सच्ची में सोशल स्टडी के मैं जिससे मेरे एक ना वीडियो के बीच में ही मुझे याद आ जाएगी। मैं मतलब इसी टाइप का बंदा हूँ, मैं मुझे मतलब टाइम के ऊपर मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती, और जब टाइम नहीं होता तब मुझे चीज़ याद आ जाती है। पर इस बार भी मैं शायद फर्स्ट में हूँ यार। नहीं नहीं इंडिया वाला और मैं हम दोनों सेम हैं। ओके गाइस यार सच्ची बता रहा हूँ यार, मैंने इस बार बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है। अगर ये वीडियो मम्मी ने देख ली ना, बहुत गंदे वाले जूते पहने मैंने। मम्मी ने कहा था कि सिर्फ तुम्हारा ये अगर SST फेवरेट नहीं है तो उसकी स्पेल तो मुझे याद होती है यार, सच्ची बोल रहा हूँ। नेम अ वेल नॉन फास्ट फूड रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स। अब मुझे इसके अंदर भी कन्फ्यूजन है, इसके अंदर डबल ए लाता है या सिंगल ए लाता है। मैं रिटर्न कर मुझे बताने क्या हो गया। मैं KFC लिख सकता, कुछ भी लिख सकता। नहीं मैं ग्रीन फ्रूट वाटरमेलन। मुझे अच्छे से क्लासेस लेके आना चाहिए था यार। वाटर अब ये अगर गलत हो ना, ये मैं वीडियो को अभी कभी एंड करने वाला था। नेम अ फार्म यार्ड एनिमल। मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए काउ। क्या मिलती है दो नहीं दो मिनट, यहाँ पर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर काउ लिखूँगा तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ नेम अ फार्म यार्ड चिकन लिख दो तो। यार सच्ची बता रहा हूँ अगर ये गलत हो गया ना, नहीं नहीं काव ही लिखते थे भाई, क्या बताओ यार सच्ची गलत हो गया तो मैं। चलो भाई मैंने सही कर दिया यार, पर वो मुझसे ओके यार। नेम अ डे इन द वीक। अब मुझे सबसे बड़ा वाला चूज़ करना है जो मेरे हिसाब से मंडे के अंदर आते हैं 6 letters, तो सैटरडे आई गेस बड़ा है, तो मैं अभी के लिए सैटरडे ही लिख रहा हूँ। ठीक यार सच्ची में ये गलत हुआ ना, मुझे यार पता नहीं कि स्पेलिंग्स के अंदर कंफ्यूजन होती है। मतलब मैं वैसे तो मुझे सारी स्पेलिंग्स में मतलब टेक्स्ट के अंदर मुझे स्पेलिंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गलत। देखा इस बात का मुझे खुद को भी पता है, मुझे स्पेलिंग्स की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। मैं वैसे स्टेट बिगिनिंग अर्ली। ओ भाई यार कसम से मुझे नहीं याद है, नहीं याद है यार, लिख दे रहा हूँ यार सच्ची में सबसे अलग हूँ यार। डीप यार सच्ची में मैं आज पता नहीं क्यों यार, अगर ये वीडियो मम्मी ने देख ली ना, आज मेरा खतरनाक वाला पहली बार तो टेस्ट हो रहा है यार। बस बस यार ये थोड़ा मुझे स्पेलिंग्स की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उस गेम के अंदर हमें पता नहीं स्पेलिंग्स होती है, तो यही बात है कि यार सच्ची। ओके तो हमारा न्यू आइटम भी अनलॉक हो चुका है, पर यार अगर ये वीडियो मम्मी ने देख ली ना तो भाई खतरनाक वाले हमें जूते पहनने वाले हैं। पर मैं चाहूँ तो यार वीडियो को कट करके मतलब कहाँ से मतलब पता भी कर लूँ, पर यार नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे मतलब आपको सच्चाई दिखानी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, बातें कर करके मैं पता नहीं क्या, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉग। डॉग ओके सही है भाई। 3 नेम एंड एयरलाइन। इंडिया गो आई एस एक एयरलाइन का नाम। मेरी ये GK नहीं ज़्यादा गंदी है, मतलब यार सच्ची बता रहा हूँ ये मुझे नहीं आता, पता नहीं क्या लगा हुआ है। नेम नहीं यार ये भी नहीं आता यार, आज मेरी बेइज्जती हो रही है यार। नेम मंथ मैं इसके लिए लिखने वाला हूँ December। वैसे ना मेरी मतलब ये जो गेम है ना, मतलब इस गेम को खेलने का कोई मन ही नहीं हो रहा था कि यार मतलब मुझे यार मैंने
ये क्या मैंने अभी सही तो जवाब दिया? नेम अ कंट्री बिगनिंग विद एस। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ओके यस, का मैंने सही दिया। चलो भाई चलो। ओ भाई यार, ये जो गलत दिख रहे हैं भाई, इस बार पर सच्ची में 50 से पार करने वाला हूँ। और यार यार मेरी बेइज्जती हो रही है आपके सामने। भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो भूल ही गया। मतलब मैं वैसे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मतलब गेम्स खेल के बोलने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, और अभी मैं भूल गया मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अभी एंड भी करनी है। तो ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला कोई भी। नेम एन ओशन, नहीं ओशन का नाम देना है ना, वो तो यार मैं ओशन का नाम ही भूल गया। ये ना मैं वीडियो बनाते वक्त क्यों भूल गया? ये गेम मैंने पहले भी मतलब खेली थी, जब ये गेम मतलब आई थी इसके 2-3 मंथ बाद मैंने मतलब इसका मतलब एडी देखा था 8 के अंदर। मैंने ये गेम बहुत 2-3 मंथ पहले ही ये गेम मैं खेल रहा था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई, पर मेरे मोबाइल के अंदर स्टोरेज की कमी थी, इसीलिए मैंने ये गेम मतलब डिलीट कर दी। इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्स दे दिए थे, और उसके बाद स्टोरेज की कमी होने के बाद मैंने न्यू गेम्स भी मुझे डाउनलोड करनी थी, तो इसीलिए मैंने इस गेम को मतलब डिलीट कर दिया। पर आज मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और इसकी मतलब ये क्वेश्चंस ही नहीं याद आ रहे। यार सच्ची बोल रहा हूँ यार, मैंने इसके इतने ज़्यादा एग्जाम दिए, मैं टॉप आता था, और अभी वीडियो बनाने के वक्त हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो अब गाइस सॉरी, बट मुझे ये कुछ मतलब याद ही नहीं आ रहा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। पर 100 रुपये हिंट के लिए मैंने लिख दिया हिंट। यार फिर से यूएसए, मुझे यूएसए के बारे में नहीं पता है यार, सच्ची बोल रहा हूँ। मैंने यूएसए के बारे में इतनी ज़्यादा मतलब की नहीं है कोई, मतलब कुछ किया ही नहीं है मैंने यूएसए के बारे में, कुछ स्टडी नहीं की है। पता नहीं क्या रखा ना, माला टोन ये लिख देता हूँ, गलत जो भी है। मतलब अभी नेम अ टॉप स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, नहीं पता सच्ची बता रहा हूँ, जो पता नहीं है वो मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि गाइस नहीं पता। बस गाइस अब मुझे, हाँ आपसे एक इम्पोर्टेंट बात भी आपको बतानी थी कि मैं 50 वीडियोज़ कम्प्लीट करने के बाद एक Q&A रखने वाला हूँ, तो उस Q&A के अंदर हम कुछ भी नहीं करने वाले। ओके सो मैं 50 वीडियोस के बाद एक Q&A करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मेरी खतरनाक वाली बेइज्जती हो चुकी है, क्योंकि यार मैंने शुरू में अपनी मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़बड़ा ली थी, पर अब मुझे ये मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मैं वीडियो के अंदर मतलब बात कर करके मुझे सच्ची कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे स्टडी की स्पेल याद आ गई, STUDY स्टडी की सिर ये। मतलब देखो मुझे मतलब अभी ज़रूरत है स्पोर्ट वियर ब्रांड की, तो वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्पोर्ट का भी मैं ना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, कि मैं सिर्फ क्रिकेट ज़्यादा खेलता हूँ, बाकी जनरल नॉलेज मतलब मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैथ्स के अंदर हम कोई कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। तो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और या गाइस हम 50 वीडियोस के बाद एक Q&A करने वाले हैं, जिसके अंदर आप अपना कोई भी सवाल डाल सके नीचे वीडियो के नीचे। और हाँ कोई भी सवाल डाल देना, मतलब कमेंट के अंदर कोई भी आपका सवाल आ सकता है, तो उसका सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ। तो हाँ और हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।